नमस्कार दोस्तों, ये है अपना रैम्बो। इसके यूट्यूब चैनल वाइल्ड होम में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर पहले से नहीं कर लिया है देन थैंक यू। अगर आपका डॉग या पप्पी खाना चबा चबा कर नहीं खाता है तो उसके इस ईटिंग हैबिट को कैसे सही करें, ये वीडियो इसी के बारे में है। दोस्तों, शुरू में जब हम डॉग या पप्पी लेते हैं तो उसे वेट फूड देना ही चाहिए, सभी देते हैं, लेकिन समय के साथ उसके फूड को हमें कम गीला करते जाना चाहिए। पर अक्सर ऐसा लोगों के साथ नहीं हो पाता है, वो पप्पी के सामने एकाएक ड्राई फूड रख देते हैं, जिससे होता क्या है कि पप्पी अपने मील को चबा चबा कर नहीं खा पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वेट फूड को लेकर हैबिचुअल हो चुका होता है और वो ड्राई फूड को भी वेट फूड की तरह ही ट्रीट करता है। एक व्यूअर का भी कमेंट आया हुआ था, जिनके पास करीब 6.5 मंथ्स का मेल GSD है, अप टू 4 मंथ्स तक तो उन्होंने उसे वेट फूड दिया, और आफ्टर 4 मंथ्स जब उन्होंने उसे ड्राई फूड देना शुरू किया है तो वो अपने मील को चबा चबा कर नहीं खा रहा है। अभी वो दही चावल, दही रोटी और रेडीमेड फूड भी देते हैं, पर सबके साथ वो वेट फूड की तरह ही बिहेव करता है। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, ये एकाएक पप्पी के सामने ड्राई फूड आने से ये प्रॉब्लम होता है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को जानते हैं। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको एक स्लो फीडिंग बाउल लेना है, जो मार्केट में किसी भी पेट स्टोर से आसानी से आप खरीद सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। करना ये है आपको कि आपको अपने पप्पी को इसी बाउल में फीडिंग कराना है। ध्यान रखना है कि पूरा बाउल एक साथ नहीं भरना है, आप जितनी क्वांटिटी आपको उसे देना है उतना ही बस थोड़ा थोड़ा करके देना है। ये बाउल जो है वो नॉर्मल बाउल से काफ़ी अलग होता है, इसमें कई सेक्शंस बने होते हैं और जैसे कि पजल टाइप होता है। धीरे धीरे इसमें फीडिंग करने से आपके पप्पी को खाना चबाने की आदत हो जाएगी। और हाँ, पेशेंस रखना है, 4 महीने की आदत एकाएक नहीं ठीक होने वाली। कुछ दिनों की फीडिंग के बाद आपका पप्पी धीरे धीरे चबा चबा कर ज़रूर खाने लगेगा। दूसरी बात कि जब भी आप अपने पप्पी को ट्रेन कर रहे हैं तो उसे अपने मुट्ठी में आप 2-4 कीबल्स रखें और उसे एक साथ ऐसे ना ऑफर करके थोड़ा सा मुट्ठी आप इस तरह से मोड़ लें, जिससे कि वो अपने आगे के मुंह से उसको पकड़े और इस तरह से उसे भी चबाने की हैबिट हो जाएगी। ये टिप्स जो है आपकी पप्पी के ईटिंग हैबिट को तेज़ी से चेंज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे उम्मीद है ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पप्पी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, अगर आप में से भी किसी के पप्पी या डॉग को सेम प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डॉग से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।